दोस्तों अमेज़न जंगल के बारे में तो आपने सुना होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा और बेहद ही खतरनाक जंगल है। पृथ्वी का फेफड़ा कहे जाने वाले इस जंगल में 400 अरब पेड़ पौधे मौजूद हैं, जो धरती की 20% ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यहाँ के जंगल इतने घने हैं कि बारिश का पानी जमीन तक पहुँचने में 10 मिनट तक लग जाते हैं, और वर्षा वनों में बेहद ही खतरनाक जीव पाए जाते हैं, जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। आइए बताते हैं इन जीवों के बारे में। एनाकोंडा। आपने अक्सर फिल्मों में बड़े और खतरनाक सांप तो जरूर देखे होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि असल दुनिया में ये सांप कहां पाए जाते हैं? चलो हम आपको बताते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न में पाए जाते हैं, जिसकी लंबाई 30 फीट और वजन लगभग 200 किलो तक हो सकता है। एनाकोंडा एक अच्छा तैराक होता है, जो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैरता है, और जमीन पर इसकी रफ्तार बेहद ही धीमी होती है। एनाकोंडा जहरीला नहीं होता, लेकिन इसके मांसपेशियों की ताकत गजब की होती है, जो कई बड़े जानवरों को अपने लपेटे में लेकर उन्हें साबुत ही निगल जाता है और कई महीनों तक बिना खाए एक ही जगह पड़ा रहता है। वास्तव में एनाकोंडा अपने साइज और मजबूत पकड़ से ही अमेज़न नदी पर राज करता है, और इनकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि शायद ही कोई बच पाए। बुलेट आंट। आपने चींटियां तो बहुत देखी होंगी, लेकिन इस जैसी चींटी से आपका सामना शायद ही कभी हुआ हो। ये चींटियां इतनी खतरनाक हैं कि इनके काटने से एक भयानक दर्द होता है, जिसका असर 24 घंटे रहता है। कहते हैं कि इसका दर्द एक गोली लगने से भी ज्यादा खतरनाक होता है, जिसका लाइव टेस्ट अमेरिका के एंटोनोलॉजिस्ट ने करके दिखाया। ये बताते हैं कि इसका दर्द दहकते कोले पर नंगे पैर रखना जितना खतरनाक है। अब सोचिए कि छोटे जीव किस तरह से इसका सामना कर पाते होंगे। ब्लैक केमन। ब्लैक केमन अमेज़न जंगल का सबसे बड़ा प्रेडेटर है, जिसकी लंबाई 14 से 20 फीट तक हो सकती है, और इनका वजन 400 से 900 किलो तक होता है। इनके खाने में बंदर, वाइल्ड बोर, पक्षी, हिरन एवं सभी तरह की मछलियां शामिल हैं। यहां तक कि इनको इंसानों पर भी हमला करते हुए देखा गया है। इनका डार्क ब्लैक कलर और मजबूत शेल इन्हें काफी भयानक बनाते हैं। ये अपने प्रजाति के केमन को भी नहीं छोड़ते, और इनके एग्रेसिव अंदाज के लिए भी इन्हें जाना जाता है। पॉइजन डॉट फ्रॉग। क्या आपने मेंढक के खतरनाक होने के बारे में सुना है? नहीं सुना तो हम आपको बताते हैं इस दुनिया के सबसे छोटे और मासूम से दिखने वाले इस मेंढक के बारे में, जो महज 2 इंच का होता है और अमेज़न जंगल में मिलने वाले 5 में सबसे खतरनाक जीव में से है, जो अपने जहर से 10 इंसानों को बड़ी ही आसानी से मौत की नींद सुला सकता है। इनके खूबसूरत रंगों की वजह से ही इंसान अक्सर इनके पास आ जाने की भूल कर बैठते हैं, और उन्हें अंजाम भुगतना पड़ता है। ये अपने जहर को कीट पतंगों पर फेंक कर उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। इनकी कुछ ही प्रजातियां बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। अरापाइमा फिश। अरापाइमा फिश अमेज़न जंगल की सबसे बड़ी मछली है, जो 10 फीट और 200 किलो वजनी हो सकती है। ये मांसाहारी होती है, जो एनाकोंडा के बच्चे, यहाँ तक कि मगरमच्छ के बच्चों को भी नहीं छोड़ती। ये बाहरी जानवरों को भी अपना निशाना बना लेती है। ये इंसानों को सीधे तौर पर तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इसके शैल काफी सख्त होते हैं, जो पिराना मछली के हमले से इन्हें बचाते हैं। इस मछली का उपयोग महंगी दवाएं बनाने के लिए किया जाता है, जिस वजह से ब्राजील सरकार ने इनके शिकार को बैन कर दिया है। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।